नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव सुशांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। हम लोग बात कर रहे हैं मिशन 2023 की। हम लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि समय रहते हम तैयारी करेंगे पूरे फिजिक्स के सिलेबस की और 10 मार्च 2023 में जो हमारा परीक्षा हमारी परीक्षा है उसके लिए रहेंगे बिल्कुल तैयार। तो आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन में आइए और यहाँ पर आपको स्पेसिफिक माइंड मैप मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं और वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आपके पास में ऑप्शंस हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो ये एप्लीकेशन वहां से जो है, अगर जब आप हमसे पढ़ाई करेंगे तो आपको होगा फायदा। खैर, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं हमारा ये वीडियो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में ये जानकारी शेयर करें ताकि जो है सारे लोगों को फायदा हो सके। आइए हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पूरे प्रश्न पत्रों से लिए गए प्रश्न जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा था जहां पर हम 2020 का एक प्रश्न देख रहे थे जो हमें कुल मिला के ऊर्जा के बारे में, किसी संधारित्र की धारिता और उसमें संचित ऊर्जा के बारे में, साथ ही ऊर्जा घनत्व के बारे में बात करना सिखा रहा था। हम लोगों ने प्रश्न देखा। आज हम जो है क्या बात करेंगे, ये सारे जो है डेरिवेशन थे जो हम लोगों ने एक एक करके समझे थे। आज हमारी बातचीत का विषय है ये सन 2021 में पूछा हुआ ये प्रश्न है जिसमें जो है 5 नंबर मिलने वाले हैं। भाई आपको पता है ब्लूप्रिंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपने ब्लूप्रिंट का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो आप जो है पहले डिस्क्रिप्शन में जाके ब्लूप्रिंट का वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कुल मिला के जो है हमारी तैयारी की रणनीति क्या है। अब यूनिट 1 में, मतलब अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों मिला के जो है 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। पहले अध्याय के लिए हम लोगों ने गॉस प्रमेय और उसके बहुत सारे अनुप्रयोग देखे थे क्योंकि वो ही 5 अंक का एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। उसके अलावा जो पूछे गए प्रश्न हैं हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो और यदि परावैद्युत माध्यम में धातु प्रयुक्त कहें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है हम एक एक करके समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो ले लेते हैं, नया पेज बना लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र आपके लिए यहां, ये जो है भाई एक प्लेट है जिसमें जो है सारे के सारे धनात्मक आवेश इकट्ठे हैं। इसके अलावा जो है हम एक और प्लेट ले लेते हैं, ये वाली, और यहां पर जो है सारे के सारे ऋणात्मक आवेश इकट्ठे हैं। अब हम लोगों ने माना है कि इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसे हम लोगों ने d मान लिया है। अब हमको इसकी धारिता के बारे में बात करना है। चलिए सबसे पहले जो है हमारा बेसिक जो सूत्र है हम वहां से शुरुआत करेंगे। c बराबर q बटा v, ये जो है हमारा बेसिक सूत्र है। अब हमको जो है v के बारे में बात करना है तो आप जो है v बराबर, देखिए हम लोगों को क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पता था और पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर dV by dr होता है, तो इसको हम लोग जो है V बटा d कर सकते हैं। अब इससे जो है हमको मिल जाता है V बराबर E गुणा d, ये हमको विद्युत विभव के बारे में पता चल गया। अब हमको बात करना है आवेश की और आवेश के लिए जो है हमारे पास में क्या है। आवेश के लिए आप देखिए कि ये जो संधारित्र है, ये जो आवेश है इसको जो है हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा और गुणा जो है कुल मिला के जो क्षेत्रफल है सिग्मा गुणा ए, इस तरीके से जो है हम आवेश को लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। हम लोगों ने इसी वीडियो में, अगर आप जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे होंगे तो जब हम लोगों ने गॉस प्रमेय का जो एप्लीकेशन देखा था तो वहां पर जो है आप एक अनंत आवेशित चादर के बारे में जो है हम लोगों ने बातें की थी, तब हम लोगों ने विद्युत विभव के बारे में बात किया था। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत चादर के लिए जो है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन होता है और उसके बाद में ही हम लोगों ने इस तरीके की एक बात की थी जहां पर हम 2 अनंत चादरों, एक को धनात्मक और एक को ऋणात्मक आवेश करके और उसके बाद में उनके बीच के जो है क्षेत्र की विद्युत विभव की तीव्रता निकालने के लिए बात कर रहे थे। और यहां पर विद्युत विभव की तीव्रता E बराबर
सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से ये जानकारी हम लोगों ने उठाई, यहाँ ई का मान जो है क्या हो जाएगा, ई का मान यहाँ हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए? चादर की दो अनंत शीटों के लिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अब यहां से जो है ये सारी जानकारियां, यहां देखिए विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का मान हो जाएगा सिग्मा गुणा डी बटा एप्सिलॉन नॉट। ये जानकारी हम कहां लगाएंगे, ये जानकारी हम लगाएंगे यहां। तो हमारे पास में जो है फाइनली क्या जानकारी आती है, सी बराबर क्यू बटा वी। अच्छा सी बराबर क्यू, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा ए, यहां से हो जाएगा सिग्मा ए और यहां हो जाएगा ई डी। फिर यहां पर हम और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए तो रहने दो और ई का मान हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और यहां है डी। अब देखिए जो चीजें कट सकती हैं वो चीजें हम कटा देंगे, यहां से सिग्मा और यहां से सिग्मा कट जाएगा। अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो सी का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ये जो है हमको जानकारी मिलती है। और ये ही है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक पार्ट तो खत्म हो गया, यहां पर जो है आप ढाई से तीन नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे भाई, यहां जो है प्रश्न में और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि यदि इसके मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो तो पहले आंशिक को हटाओ, हम परावैद्युत माध्यम की बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। तो अब जो है आपको समझना चाहिए कि ये जो हमारी प्लेटें हैं, ये जो हमारी प्लेटें हैं इसमें जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, किस हिसाब से जो है हम लोगों ने यहां पर धारिता को बढ़ाया है। धारिता को बढ़ाने के लिए हम जो है संधारित्र के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक ऋणात्मक प्लेट है और यदि जो है मैं दूर से जो है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करूंगा तो इस प्लेट के कारण जो है क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण के बल का सामना करना पड़ेगा। इस बल के विरोध में भी मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां डालना चाहूं तो मुझे बाह्य बल के द्वारा इस पर कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो कार्य होगा वह बाह्य आरोपित बल एफ के साथ में गुणा होगा कुल मिला के जो मेरा विस्थापन है वो। यदि मैं ये विस्थापन अनंत से आवेश लाकर यहां डालने में करूं तो वो जो है वहां की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेगा। प्रति एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य जो है वो मुझे क्या देता है, विद्युत विभव का मान देता है। मतलब हम लोगों ने समझा कि विद्युत विभव असल में काम क्या करता है। अब विद्युत विभव को एक और तरीके से चलिए परिभाषित करते हैं और ये परिभाषा क्या होगी कि यदि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन किसी धनात्मक प्लेट से निकाल के ऋणात्मक प्लेट में लाया तो उसके द्वारा कुल मिला के किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होगा, एकांक आवेश है। ठीक है, तो विद्युत विभव वी का मान कैसे हम पता कर रहे हैं कि धनात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के ऋणात्मक प्लेट में अगर हम डालने का प्रयास करें तो कुल मिला के किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश इन दोनों के बीच में विद्युत विभव के मान को बताएगा। ये बात समझने के बाद में हम एक और चीज देखते हैं कि यदि हम लोगों ने यहां पर किसी परावैद्युत माध्यम को डालने का प्रयास किया, मतलब यहां पर जो है जब भी हम परावैद्युत माध्यम की बात करते हैं हम लोगों ने यहां पर देखा कि हम लोगों ने लकड़ी, सिलिका, फॉस्फर, एस्बेस्टास, कोई सभी ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसको हम इसके अंदर रख सकते हैं तो ये कुल मिला के बलों के अनुपात के बारे में बात करता है। ये बलों के अनुपात के बारे में मतलब अगर हम लोग जो है बल को वैक्यूम में यानी कि निर्वात में रखें और बल को किसी माध्यम में रखें तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के होगा। मतलब यहाँ पर परावैद्युतांक के जो है वो उन दोनों के बलों के अनुपात के बारे में बात कर रहा है। और अगर ये बलों के अनुपात के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो निर्वात में जो कुल मिला के बल जो इनके बीच में लगेगा उस बल की तुलना में किसी माध्यम में जो है लगने वाला बल कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमको जो यहाँ पर कार्य का मतलब कार्य या फिर विद्युत विभव मिल रहा है वो भी कम हो जाएगा। मतलब विद्युत विभव जो है बिना किसी माध्यम के निर्वात में जो भी होगा
उससे जो है उस किसी माध्यम के आ जाने पर विद्युत विभव का मान के गुना कम हो जाएगा, के गुना कम हो जाएगा। तो अब जो है यहां से हम क्या समझते हैं, उतना ही आवेश संचित करने के लिए, उतना ही आवेश संचित करने के लिए अब हमें कम कार्य करना पड़ेगा, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमको क्या पता है, हमको पता है C बराबर Q बटा V। अब यहां पर जो है आप समझिए Q का मान नहीं बदलेगा लेकिन V का मान V डैश हो जाएगा या V M हो जाएगा। तो C डैश बराबर Q बटा V डैश, और ये C डैश का मान क्या हो जाएगा, C डैश बराबर Q बटा V। V M का मान क्या है, V M का मान है V बटा K। और इस तरीके से हम देखेंगे कि C डैश का मान हो जाएगा, C डैश का मान हो जाएगा Q बटा V और गुणा के। ये Q बटा V क्या है, ये पुराना C है, तो C डैश का मान हो जाएगा C गुणा के। मतलब किसी भी संधारित्र के बीच की प्लेटों के बीच में यदि हम माध्यम डालते हैं और उसका परावर्तितांक के हो तो उसकी धारिता में के गुना की वृद्धि हो जाती है। ये बात समझने के बाद में अब यहां तो जो है कुल मिला के आंशिक रूप से परावर्तितांक माध्यम डाल रहे हैं, पूरा परावर्तितांक तो डाल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, आंशिक रूप से डालेंगे। मतलब आप ये जो है इमेजिन कीजिए कि ये धनात्मक प्लेट है और ये एक ऋणात्मक प्लेट है, और इन दोनों के बीच में जो है हम लोगों ने परावैद्युतांक डाल दिया है, और वो भी जो है आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से डाला तो कैसे डाला, ये भी तो महत्वपूर्ण है भाई, कैसे डाला, मतलब ऐसे भी तो डाला जा सकता है, ठीक है। या फिर हमको यहां पर परावैद्युतांक, ठीक है, आंशिक रूप से हम ऐसे भी तो डाल सकते हैं, ये लो हम लोगों ने आंशिक रूप से ऐसे भी डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है अब आप क्या बोलेंगे कि यहां पर परावैद्युतांक का क्या असर पड़ा, यहां पर परावैद्युत माध्यम का क्या असर पड़ा, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो भाई देखिए कि अब जो है क्या हुआ, इनके जो एरिया क्रॉस सेक्शन था, मतलब जो क्षेत्रफल था, वो तो वैसा ही रह गया, लेकिन अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर आपको दो संधारित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला संधारित्र जिसमें जो है कोई माध्यम नहीं है, लेकिन इसकी जो है जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो d बटा 2 हो गई है, और दूसरा जो संधारित्र है वो पहले संधारित्र से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया, यहां पर बीच में आपको माध्यम दिखाई दे रहा है, और इसकी भी चौड़ाई क्या है, इसकी भी दूरी जो है d बटा 2 है। हम लोगों ने यहां पर दो संधारित्रों की कल्पना कर ली, और उसके बाद में जो है इनके जो है इनकी धारिता निकालो। तो ये C1 की धारिता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, ए तो वैसा ही है लेकिन जो है बीच की दूरी क्या हो गई है, बीच की दूरी आधी रह गई है, तो D बटा 2। तो ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटा D। इसकी जो धारिता है वो क्या हो गई है, दोगुनी हो गई है। अच्छा C2 का मान निकालो, तो C2 का मान हो जाएगा C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर K का गुणा होगा क्योंकि बीच में परावैद्युतांक माध्यम है, और उसके बाद में A और बटा D बटा 2। तो C2 का मान हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट K A और यहां पर बटा D। इन दोनों को C1 और C2 को किस प्रकार से जोड़ा जाए, ये कौन सा जो है कनेक्शन है, ये है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में संधारित्र के बीच में क्या होता है भाई, अगर हम जो है यहां पर 1 बाय सी और एस बराबर 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय सी 2, और इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जो है ये संधारित्र जुड़ जाएंगे, इन दोनों का मान हम वहां डाल देंगे और हमें रिजल्टेंट संधारित्र रिजल्टेंट धारिता का मान मिल जाएगा। यहां की कहानी अलग है, यहां देखो कि इनके बीच की दूरी क्या बदली है, नहीं बदली है, लेकिन क्या क्षेत्रफल बदला है, बिल्कुल बदल गया है, a बटा 2 और यहां पर भी a बटा 2। यहां पर हम कल्पना करेंगे दो संधारित्रों की, यहां पर जो है इस संधारित्र के लिए a बटा 2 और ये बीच की दूरी तो d ही है, लेकिन यहां पर जो है हमको क्या नजर आ रहा है, यहां पर हमको माध्यम भरा हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और संधारित्र यहां पर नजर आ रहा है, जहां पर फिर से एक बटा दो प्लेट की चौड़ाई हो गई, लेकिन बीच में जो है जो दूरी है वो एक बराबर रही। और ये दोनों के दोनों संधारित्र अब किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों संधारित्र अब पैरेलल कनेक्शन यानी कि समांतर जुड़े हुए। इस स्थिति में CP बराबर C1 प्लस C2, यहां पर भी जो है हम नए तरीके से मान डालेंगे और हमको संधारित्र की धारिता, इस कॉम्बिनेशन की धारिता पता चल जाएगी। तो ये थी अभी तक की बात, आगे आने वाली चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। आप हमसे अगर नहीं जुड़े हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं और अपना भी हमेशा ध्यान रखें, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो परीक्षा की तैयारी में जो है कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करें और बिल्कुल जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।